योयो हनी सिंह ने सलमान खान की फिल्म भाईजान के लिए गाने कर दिए रिकॉर्ड। इस साल का सबसे बड़ा होगा पार्टी सॉन्ग। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सलमान खान स्टारर फिल्म कभी ईद कभी दिवाली, जिसका टाइटल भाईजान हुआ है, इस फिल्म को बनाने का ऐलान जब से हुआ है तब से ये फिल्म काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है। इस फिल्म से जुड़ी हर अपडेट फैंस देखना पसंद कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस फिल्म से जुड़ी हर दिन कोई ना कोई नई खबर आती ही रहती है, लेकिन इस समय जो खबर काफ़ी तेज़ी में चर्चा में है वो है इस फिल्म के गाने को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि काफ़ी लंबे सालों के बाद म्यूज़िक इंडस्ट्री में वापसी करने वाले योयो हनी सिंह इन दिनों उनके गाने को लेकर काफ़ी बिजी हैं। उन्होंने आते ही कई नए गाने को लॉन्च किया है जिसे लोगों ने पसंद भी किया। तो अब फिल्म भाईजान से जुड़ी एक खबर है कि योयो हनी सिंह एक बार फिर बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान के साथ काम करने जा रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सूत्रों के मुताबिक सलमान खान की फिल्म भाईजान में एक पार्टी सॉन्ग होने वाला है जिसमें योयो अपनी आवाज़ देने वाले हैं। तो खबर यह है कि इस पार्टी सॉन्ग को योयो हनी सिंह ने रिकॉर्ड भी कर दिया है और बहुत जल्द इसे फैंस के बीच रिलीज़ किया जाएगा। इससे ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी सॉन्ग बाकी सभी गानों से हटकर और धमाकेदार दमदार होगा और इसे लेकर लोगों में फैंस में काफ़ी अच्छा खासा बज़ देखने को मिल सकता है। बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि सलमान खान और योयो हनी सिंह की जोड़ी एक बार फिर धमाल मचाएगी, जैसा उन्होंने सलमान की ही फिल्म किक में डेविल सॉन्ग से किया था। आपको बता दें कि इस फिल्म में सलमान के अलावा पूजा हेगड़े, वेंकटेश बाबू, जगपति बाबू, शहनाज गिल, जस्सी गिल, सिद्धार्थ निगम, राघव जुआल और पलक तिवारी भी दिखाई देंगे और शहनाज गिल इस फिल्म से उनका बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। कभी ईद कभी दिवाली इस फिल्म को फराह सामजी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला है। ये फिल्म 30 दिसंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म के सिवा सलमान के पास और भी कई फिल्में हैं, जैसे टाइगर 3 है। इसके बाद वो अनिल कपूर और फरदीन खान के साथ ट्रिपल रोल करते हुए फिल्म नो एंट्री में दिखाई देंगे। फिर फिल्म पठान में एज अ कैमियो करेंगे। उसके बाद भी उनके पास कई फिल्मों की लिस्ट है जिनमें किक 2, बजरंगी भाईजान 2 जैसी फिल्में शामिल हैं।